अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में. तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले. तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आज के इस वीडियो में आपको एक अपडेट बतानी थी कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की जो फॉर्म फिलअप की डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है यानी बढ़ चुकी है. ठीक है, पहले आपके फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी 16 मार्च. कितनी थी? 16 मार्च 2020, जिसे अब बढ़ा दिया गया. ठीक है, अब आपका आवेदन 25 मार्च 2020 तक होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है. यहाँ पे लिखा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2020 जो कि आपकी परिवर्तित तिथि है. पहले कितनी थी? पहले आपकी थी 16 मार्च, यानी आप 16 मार्च तक ही अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे डेट आपकी बढ़ चुकी है. आप 25 मार्च 2020 तक अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. तो जिन लोगों ने अभी तक अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फिलअप कर सकते हैं 25 मार्च 2020 तक. ठीक है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे. तो जिन लोगों का फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप हुआ है यानी नहीं फिलअप किया आप लोगों ने, तो आप जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए. 25 मार्च 2020 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैनेजमेंट एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 25 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 16 मार्च तक ही थी. ठीक है, तो यहाँ पे डेट बढ़ चुकी है. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है यानी अभ्यर्थी ग्रुप ए E1 या E2 एवं ग्रुप BCDFGHI फिर K1 से लेकर K8 में से एक अर्थात अधिकतम 3 आवेदन कर सकता है. कितने? अधिकतम 3 आवेदन कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है. आप एक साथ 3 आवेदन अधिकतम यहाँ पे कर सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है. आप चाहें तो ग्रुप ए का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ग्रुप के का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं. बहुत स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम दो ग्रुप के फॉर्म एक साथ फिलअप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं. ठीक है, ग्रुप ए का भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं और साथ में आप ग्रुप के का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की परीक्षा अलग अलग दिन होगी. ठीक है, मैं भी आपको डेट भी दिखाऊंगा. तो यही यहां पे लिखा हुआ है. फिर उसके बाद यहां पे लिखा है कि आवेदन पत्र में त्रुटियों का सुधार 26 से 29 मार्च 2020 के मध्य किया जा सकेगा. ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके फॉर्म फिलअप में कोई गलती हो गई है, आपको करेक्शन कराना है, तो 26 से 29 मार्च 2020 तक आप यहाँ पे अपने आवेदन में जो त्रुटि है उसका सुधार कर सकते हैं 26 से 29 मार्च तक. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा. काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था कि हमारे फॉर्म में गलती हो गई है, तो आप उसको उसका सुधार करवा सकते हैं 26 से 29 मार्च 2020 के मध्य. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा. फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से लगभग 1296 संस्थाओं में विभिन्न 67 पाठ्यक्रम की सीटें आवंटित की जाएंगी. तो यहाँ पे ये तो आगे की बात है. फिर उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा की डेट दी गई है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ग्रुप ए का एग्जाम 26 अप्रैल 2020 को प्रातः 9 से 12 बजे तक होगा. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ई का, तो ग्रुप ई का 26 अप्रैल 2020 को अपराह्न यानी दोपहर में जैसा कि आप देख सकते हैं 2:30 से 5:30 बजे तक उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में. ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं. फिर उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि ग्रुप बी सी डी एफ जी एच आई इनका 27 अप्रैल 2020 को प्रातः 9 से 12 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा प्रदेश के प्रमुख जनपदों में, जो कि परिवर्तनीय है, यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर उसके बाद ग्रुप के वन से लेकर के एट तक इनकी परीक्षा होगी 27 अप्रैल 2020 को अपराह्न 2:30 से 5:30 बजे तक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा प्रदेश के प्रमुख जनपदों में. तो मैंने आपको क्या बताया कि आप दो फॉर्म भर सकते हैं एक साथ. ठीक है, आप ग्रुप ए का भी फॉर्म भर सकते हैं या इसके अलावा जो आप ग्रुप पसंद करते हैं उसका भी फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं. जैसे कि आप ग्रुप के से अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते
हैं तो कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है 25 मार्च 2020 तक, यही न्यूज़ आपको देनी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो अभी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।